चिमनी गांव, जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, चिमनी गांव के ग्रामीण सरपंच और फोड़ माजरा जो जिला पार्षद भी हैं जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हम आपको बता दें, फोड़ माजरा गांव गांव जाकर दिवाली की लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनकी समस्याओं का तुरंत वहीं मौके पर ही समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार फोड़ जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरी तरफ से राम राम। राम राम जी। सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी आपको। आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी क्षेत्रवासियों को के इस अवसर पर सभी से विनती करता हूं, क्योंकि आज के दिन ही बुराइयों की हार हुई थी और अच्छाई की जीत हुई थी, और इसी आधार पर आज के दिन हमें भी हर आदमी को एक संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि बुराई का साथ देना खुद एक बहुत बड़ी बुराई है, और जो भी छोटी मोटी हमारे अंदर बुराई को दूर करके दिवाली के पावन अवसर पर खुशी खुशी सभी अपने घर पर दिवाली मनाएं। और बच्चों से मैं विनती करूंगा कि पटाखे न बजाएं, इनसे डबल नुकसान होता है, कि आपको भी चोट लगती है और प्रदूषण की चोट होती है। और भाई, जिस प्रकार आप दौरा कर रहे हो अपने पूरे वार्ड का, गाँव टू गाँव, और वहाँ तुरंत ही जो समस्याएँ हैं उनका समाधान करने की भी कोशिश कर रहे, जहाँ तक संभव है उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? भाई साहब, इलेक्शन से पहले मैं लोगों के बीच में मेरे पूरे वार्ड के अंदर आया था, भाई मैं एक अपने परिवार को बढ़ाने चले आऊँ, मेरे को अपने परिवार का हिस्सा बनाओ, तो लोगों ने मेरे को अपने परिवार का हिस्सा बनाया, और मेरा जो वार्ड है ना, मेरा वार्ड एक मेरा परिवार है और मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। तो मेरी पहली दिवाली थी पार्षद बनने के बाद, और मेरी खुद की इच्छा थी और सभी गांव वालों की इच्छा थी कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ दिवाली मनाऊं, तो इसलिए मैंने अपने वार्ड के जितने भी गांव हैं सभी गांव के अंदर जाके मेरी पंचायत के द्वारा पूरी के पूरे 36 बरादरी के साथ मैंने दिवाली मनाने का एक अपना मेरा मकसद था, और खुशी और दिवाली से ज़्यादा खुशी हुई अब की बार, क्योंकि इतने बड़े परिवार के अंदर मेरे को जो खुशी मिली दिवाली की, उसको मैं उजागर नहीं कर सकता। और मैं तो भगवान से विनती ये करूँगा कि मेरा पूरा परिवार, मेरा वार्ड है जो इसी तरह से खुश रहे और उन्नति करे। और भाई, जो आपका अंदाज है जो समस्याओं का समाधान करने का, एक निराला अंदाज देखने को मिला हमें, जिस प्रकार आप देसी भाषा में जो समझ जाते हो लोगों को, और उसका समाधान करवाने के लिए अधिकारियों से तुरंत फोन पर जो एक सही मायने में जो लीडर की जिम्मेदारी होती है वो तुरंत वहीं पर पूरी करते हो, तो क्या है कि लोगों के सहयोग से और इन्हीं की ताकत है जिसके आधार पे मैं अधिकारियों से भी काम करवाने के लिए और समझाने की, क्योंकि समझाने का क्या है कि मेरा परिवार है, मेरा परिवार जो है हमारे तरीके से ही समझता हूँ, उनको हम बताते हैं चाचा है ताऊ उनको, क्योंकि अभी एक साल बने, एक साल के अंदर काम वाम तो देखो ऐसा कि भी होने नहीं पाए सरकार के दोनों, पूरे झज्जर जिले में सिर्फ मात्र 6 काम जो जिला परिषद से हुए हैं, सरपंच है, सरपंचों को भी अभी समझ में नहीं आ रहा है, ये इतने टेंडरिंग पेंडरिंग सिस्टम हो रहे हैं, लोगों को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई आपने जो जो जिंदे सुने हैं वो आपके लिए, आप पूरे 5 साल इनको काम करने दो, उसके बाद इनका सहयोग दो, सरपंच हो, ब्लॉक समिति हो, खुद मैं हो, उसके बाद अगर इनमें को कमी निकलती आप उस दौरान करो। अब स्टार्टिंग वही है, अभी ये नहीं पता कि भाई कहाँ से क्या हो रहा है, पर जो हमारे से होने की समस्याएं हैं दूर उनको हम तुरंत कराते हैं, जो भी छोटी मोटी जो समस्या हमारे लेवल पे है अधिकारियों से उनकी विनती करी तुरंत उनको कराते हैं, लोगों को संतुष्ट करते हैं, क्योंकि संतुष्ट करके लोगों को आप किसी भाई प्रेम से रखना, प्रेम से रखना ही हमारी जिम्मेवारी है। एक जो किसानों का के समाधान के लिए आपने जो तहसील पर ताला जड़ा था, क्या उन किसानों को मुआवजा मिल चुका है? बिल्कुल, जो किसानों का जो हमारा हक था और किसान यूनियन के सहयोग से और सभी आसपास के गाँव के सहयोग से जो हमने वहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन दिया था, हमने हमारी जो समस्या थी तहसील के अंदर SDM साहब खुद तहसीलदार मैडम को हमने दी थी, उसमें तहसीलदार मैडम ने भी अपनी जबान पे तुरंत जितने दिन का टाइम दिया उस टाइम पे मुआवजा डाला, और SDM साहब ने भी अपना जो काम था पूरा किया, जो मुआवजा था लोगों का 148 कुछ लोगों का था उसी दौरान डाल दिया था, और अब कुछ बचा हुआ था वो दिवाली पर डालने के वो था, हम किसानों को जो इनका हक है दिवाली के ऊपर मिठाई के उस पर देने थे, तो वो कुछ हमारी भी वो रहेगी कागज पूरे नहीं होने पाए थे, तो एक दो दिन में है वो भी पूरे हो जाएंगे, और 2023 की जो हमारी गिरदावरी हुई उचित रूप से गिरदावरी करवाई गई, अगर उसमें भी कोई कमी पेशी रहती है हम उसको भी करवाएंगे, क्योंकि किसान ने एक ऐसा वो है कि हम किसान के बेटे हैं, अगर हम
उनका ही हक नहीं दिला सकते तो फिर हमारी लड़ाई लड़ने का, क्योंकि छत्तीस बिरादरी का सामूहिक होता है, किसान की लाड़ी और सैनिक होता है, सभी का होता है, और किसानों के लिए तो हमेशा पहले भी तैयार थे, रात भी तैयार। हमारे साथ सरपंच नमस्कार जी, पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को राम राम। और भाई हमारे बीच पधारी, उनका दिल से धन्यवाद और दीपावली की शुभकामनाएं। और फोर्ड भाई एक उभर था ऐसा नया चाह रहा है जो नीडर वगैरह करें ना, नीडर यो एक पेड़ है हमारी खातर, हम इसकी टहनी है। अरे भाई इसका गेल थे गेल हर गेल रहेंगे भाई ना, हम और भी आगे ले जाएंगे। जो इनका अंदाज है वो हमें बहुत पसंद आया, क्योंकि जो समस्याएं हैं वो एक निराले अंदाज में सोल्व करते हैं। लगभग अधिकारी या राजनेता जो है फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं, लेकिन जो इनका अंदाज बिल्कुल अलग ही देखने को मिला हमें। भाई अंदाज तो भाई का बढ़िया है, आपने किसी को और देखा उसको ही पसंद आऊगा भाई ने, और आगे ले जाओ घर काम का इसी है काम की। भाई देख काम तो हो ना हो सरकार के ऊपर भी हो कुछ, पर भाई ने तो ठान लीवा करके दिखाई है और आगे भी करके दिखाओगे भाई।